की मीडिया वाले साथ देंगे। सर रावत जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ कल यूपी जाना, वो तो मैं कल निंदा कर चुका हूँ। मैं तो ये उल्टा ही कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना है, डेमोक्रेसी के अंदर कोई नेता जाना चाहता है, वो राष्ट्रीय स्तर का नेता और मुख्य विपक्षी दल के नेता जाए, तो अगर कोई छिपाने की बात नहीं है तो रोकने की बात क्यों होनी चाहिए। कल जब घटना हुई 3 दिन पहले वहाँ पर खेरवाड़ा में डूंगरपुर की तरफ, तो जो 3 नेता गए बीजेपी के, मदन दिलावर जी गए और इनके नेता गए साथ में, तो हमने तो रोका नहीं उनको। अभी जाके पता करो वास्तव में क्यों हुई घटना। ये विपक्ष का काम होता है। आज राजस्थान में कोई घटना होती, घटना कई हो सकती है, पर घटना होने के बाद में कार्रवाई करना दूसरी बात है और लापरवाही करना दूसरी बात है। जो लापरवाही हाथरस में की गई, रात को 2 बजे आप बच्ची के अंतिम संस्कार कर दो, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। कैसी भी स्थिति होती है, कोरोना को छोड़ करके, कोरोना के अंदर भी 20 लोगों की छूट दी गई है परिवार वालों को दाह संस्कार के अंदर, कोरोना के अंदर भी। और आप देख लीजिए कि बिना कोरोना कभी भी अंतिम संस्कार में बॉडी पहले सौंपी जाती है परिवार वालों को। शहीद होते हैं बॉर्डर पर, उनकी बॉडी भी गांव तक आती है, हेलीकॉप्टर प्लेन से आती है। इतना सम्मान देने की बात हमेशा रही है, हमारे देश की संस्कार संस्कृति है। उसमें रात को पुलिस के देखरेख में आप दाह संस्कार कर दो और माँ बिलखती रहे, खाली अपने बच्चे की लाश को अंतिम दर्शन करने के लिए, उसको अब अलाउ नहीं करो, ऐसा तो कभी देखा नहीं। आज रास्ता में घटना हो रही है, वो लोग कई लोग टिप्पणी करते हैं कि प्रियंका जी राहुल जी यहाँ क्यों नहीं आते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, वहाँ वो विपक्ष के नेता के रूप में जा रहे थे, आप या विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली से नेता को बुलाओ, हम उनका अलाउ करेंगे। रास्ता में घटना तो दुनिया भर में देश भर में होती है, हम अलाउ करेंगे। कोई बड़े बीजेपी के नेता बड़े से बड़े आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह वो 12 में जाए, भिवाड़ी में जाए, कहीं जाए, हम उनको अलाउ करेंगे जाने के लिए, पुलिस प्रोटेक्शन में अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उनको ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो वहाँ जा रहे हैं यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। वो तो हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी बात पर विश्वास करते हैं, हम रिपोर्ट भेजते हैं उस पर हमारे नेता विश्वास करेंगे। पर विपक्ष के नेता आए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जैसे वो निभा रहे थे प्रियंका गांधी जी और राहुल जी। तो ये उनका तर्क बिल्कुल ही बेहुदा तर्क है।